पश्चिम प्रदेशे आध्यात्मिक संबंधः, पूर्व प्रदेशे आर्थिक संबंधः, ऐतिहासिक संबंधः, उत्कलस्य प्रभावः संपूर्ण देशे, संपूर्ण भारत देश जनाः पुरीम आगत्य भगवतः जगन्नाथस्य दर्शनम स्वीकुर्वन्ति। बस मैं इतना संस्कृत में बोला इसलिए बोला कि उत्कल भाषा के 60-70% शब्द संस्कृत शब्द है। और भी विशेष आप जानते हैं, क्रियापद भी संस्कृत है। बहुत से भारतीय भाषाओं में उत्कल भाषा संस्कृत के बहुत नजदीक है। तो मैं आजकल भारतीय भाषाओं के लिए काम कर रहा हूं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में। अब 3 साल से भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है। जो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के जो दूरदृष्टि है और सूक्ष्म दृष्टि है और भविष्य भारत की आवश्यकताओं को मन में रखते हुए जो जो काम होना है उसके लिए उनकी जो संकल्पना है, उस संकल्पना के परिणाम स्वरूप ये भारतीय भाषा समिति काम कर रही है। तो सभी भारतीय भाषाएं ये परस्पर बहुत नजदीक है, पूरक है और सभी भारतीय भाषाओं में अक्षरमाला समान है, ध्वनि व्यवस्था समान है, वाक्य रचना समान है, अंतर्निहित व्याकरण समान है और सभी भारतीय भाषाएं एक परिवार सदस्य है। इस कारण से देश में कहीं भी जाके अगर हम एक भाषा बोलते हैं तो वहां के लोग भी दूसरी भाषा समझते हैं। अब ये अनुवाद व्यवस्था जो है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की ये जो व्यवस्था है ना, ये अंग्रेजों के आने के बाद की है। उससे पहले कन्याकुमारी से काशी तक, पुरी तक, केदारनाथ तक, द्वारका तक या कश्मीर तक जो यात्रा करता है तो यात्रा करते समय कितनी भाषाएं मार मिलते हैं, तो कहीं अनुवाद की व्यवस्था नहीं थी। लोग समझते थे, क्यों समझते थे, इसी कारण से सभी भाषाओं में समान शब्दावली इत्यादि है, ये एक कारण है। दूसरा कारण भाषाओं के बीच में दीवार नहीं था, व्यक्ति व्यक्ति के मन में दीवार नहीं था। क्या था, मैं इसके लिए मान्य नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के एक उदाहरण बताता हूँ, वाक्य बताता हूँ। काशी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में उसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो भाषाओं की या भारत में जो विविधता है, इस विविधता के बीच में आत्मीयता है। उस आत्मीयता के कारण हजारों सालों से, लाखों सालों से
ये भारत देश एक राष्ट्र के रूप में अखंड रहा है। ये जो आत्मीयता है ना, यही बहुत बड़ी शक्ति है। विविधता सौंदर्य है, एकता शक्ति है। एकता बनती है आत्मीयता के कारण, विविधता का सौंदर्य एकता की शक्ति के आधार पर स्थित है। तो भाषा विविधता, वेशभूषा विविधता, भोजन आहार में विविधता, कला में विविधता, नृत्य में विविधता, चित्र में विविधता, शिल्प में विविधता। वस्तुतः उत्कल प्रदेश विविधता का और विविधता में आत्मीयता का एक जीवंत रूप है। भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का हजारों सालों से एक आदर्श के रूप में उत्कल में हम देख सकते हैं। ये जो विविधता है, ये एक संस्कृति की अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप है। तो इस प्रकार भाषाई विविधता भी एकता का एक अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप है। इस प्रकार भारतीय भाषाओं का ये आज जो काम हो रहा है, भारतीय भाषा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान, पुनः प्रचार, भारतीय भाषा माध्यम से शिक्षा, भारतीय भाषा पारिस्थितिकी का निर्माण, भारतीय भाषा से संस्कृति का पुनरुत्थान, भारतीय भाषा के माध्यम से विविधता, आत्मीयता, एकता और इससे भारतीयता और इस भारतीयता से विश्व बंधुता, इस भाव से भाषाएं अनेक भाव एक, इस विचार से हम विकसित भारत का। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।